हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द चैप्टर नंबर 9, नेम्ड इज द बायो मॉलिक्यूल्स। चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके हायर कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपकी हायर स्टडीज जो भी आप स्टडी करेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज ऑफ दैट आपने एक सब्जेक्ट सुना होगा, नेम्ड इज द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है कि हम बायोलॉजी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है, बट विद द टेक्निक्स ऑफ द केमिस्ट्री, यानी जो हमारी जो केमिकल्स की हेल्प से जो टेक्निक्स को यूटिलाइज करके हम लिविंग थिंग्स को हम स्टडी करते हैं, दैट इज द बायोकेमिस्ट्री। तो बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, अगर किसी ने फर्दर हायर क्लासेस में बायोकेमिस्ट्री को स्टडी करना है और आप मेडिकल फील्ड में बायोकेमिस्ट्री के फील्ड में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा, एक भी वीडियो आप मिस मत करिएगा। बिकॉज ऑफ दैट आज मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूं, लेकिन और इस इंट्रोडक्शन में ही कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और बहुत आपके कैरियर के लिए, आपकी नॉलेज के लिए ऐसी चीजें बताने जाने वाला हूं कि जो लाइफ टाइम आपको डेली लाइफ में भी और फर्दर प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको काम आएगी, ठीक है। तो आइए स्टडी करते हैं हम बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स से नाम से क्लियर है हम किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज द बायो। बायो मीन्स हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स उसके मॉलिक्यूल्स की। अब मॉलिक्यूल वर्ड आया, मॉलिक्यूल वर्ड तो अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम केमिस्ट्री में इस्तेमाल होता है, एटम, मॉलिक्यूल, एक्स वाई जेड, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, है ना, उसमें इस्तेमाल होते हैं ना। फिजिक्स में भी इस्तेमाल होता है मॉलिक्यूल्स, इस तरह से ऐसे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल की मूवमेंट ये, पार्टिकल मूवमेंट ऐसे, ठीक है, बट बायोलॉजी का उससे क्या कनेक्शन है। लेकिन बायोलॉजी का उससे बहुत ही गहरा कनेक्शन है, राइट। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई रिपीट, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस जो कार्बन की हेल्प से बना हुआ है, उसके जो मैं ये कह सकता हूं एक पार्ट्स, उसका जो बेसिक्स जो स्ट्रक्चर है विद द हेल्प ऑफ कार्बन की हेल्प से हो, तो वो किस कैटेगरी में आता है, बायो मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में ही आता है। और ये दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज द माइक्रो, दूसरे होते हैं मैक्रो। पहले की बात करते हैं माइक्रो की। माइक्रो नाम से ही क्लियर है कि ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो साइज में छोटे हैं, आई रिपीट, ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो साइज में छोटे हैं, बट ऑन द अपोजिट साइड मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स जो कि साइज में बड़े हैं, आई रिपीट, जो साइज में बड़े हैं मैक्रो, जो साइज में छोटे हैं माइक्रो, ठीक है। अब ये स्टडी, ये थॉट आया कहां से, वो जरा इसको मैं डीप में आपको एक आपके एनसीईआरटी बुक में भी है और मैं एक जर्नल आपको बताता भी हूं। एक वेजिटेटिव स्ट्रक्चर लिया गया प्लांट सेल्स का, ठीक है, कोई भी जो एक्टिव है, यानी जो हरा मैं कह सकता हूं, जो हमें लगता है कि यस ये एक्टिव सेल्स हैं, उस पार्ट को लिया गया, राइट, और उसको ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में अच्छे से मिक्स किया गया विद द हेल्प ऑफ द पेस्टल एंड मोटर, ठीक है। जब उसको मिक्स किया गया, मिक्स करने के बाद उसको फिल्टर कर लिया गया, ठीक है, फिल्टर एक पर्टिकुलर किसी भी मसलिन क्लॉथ से फिल्टर किया गया है। आप याद रखना, यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको बता दिया,
कि कभी भी लैब में जब बायोमोलिक्यूल से आप स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, तो फिल्ट्रेशन के लिए आपको मसलिन क्लॉथ इस्तेमाल करना है, और वो भी बिल्कुल क्लीन मसलिन क्लॉथ होना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट आपके रिजल्ट उससे बेटर आएंगे। ठीक है, अब जो वो मिक्सचर था, स्लरी जो बनी थी, उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डाला, जो सॉरी पानी नहीं, क्लोरो एस्टिक एसिड उसमें मिक्स किया गया है, उस एक्टिव सेल्स में एक स्लरी बनी, एक तरह का एक पेस्ट टाइप बन गया। उसमें थोड़ा और क्लोरोक्लीन डाला, थोड़ा सा लिक्विड हुआ, उसको छाना गया। किसकी हेल्प से? मसलिन क्लॉथ की हेल्प से। जब उस मसलिन क्लॉथ को छाना गया तो उसका एक फिल्ड, एक तो ऊपर फिल्ट्रेट बचा बिल्कुल, की जो भी जो हैवी पार्टिकल्स थे वो बच गए, नीचे जो फिल्टर किया हुआ एक तरह का एक लिक्विड आया सोल्यूबल, उस लिक्विड को क्या कहते हैं? पूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूल। ठीक है, उस पूल की जब स्टडी की गई, उस सोल्यूबल की जब स्टडी की गई, ठीक है, तो उसमें पाया गया कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। क्या अवेलेबल है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है, कैल्शियम हो सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, सोडियम, कोई भी बायोमोलिक्यूल्स इसमें से अवेलेबल हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, राइट, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी। अब वो जो पूल है जिसकी हमने स्टडी की, साइंटिस्ट्स ने स्टडी की, तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर तो बहुत सारे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस फॉर्म में अवेलेबल है, उन्होंने उसको अच्छे से स्टडी किया और फर्दर एक थ्योरी दी। ठीक है, और उस थ्योरी के बेस पर ही फर्दर ये चैप्टर टोटल डिपेंडेंट करता है, दैट इज द बायो मॉलिक्यूल्स। अब कैसे कैसे, कौन कौन से बायो मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, और वो किस तरह से क्या काम करते हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, जैसे मैं छोटा सा एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देता हूं पहले, थोड़ा आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे ना लास्ट चैप्टर में सेल की, ठीक है, सेल हमने पढ़ा, ठीक है, सेल की जो फॉर्म है, जो साइंटिस्ट ने बताया कि पूल में जो ऑर्गेनिक काफी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से हैं, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, राइट, उन्होंने बेसिक, जैसे हमने सेल में पढ़ा भी था, न्यूक्लियस पढ़ा था, सभी ने पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल्स में अवेलेबल होता है प्रेजेंस ऑफ द न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस के अंदर क्या था, एक जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल था। क्या अवेलेबल था? जेनेटिक मटेरियल अवेलेबल था, और जेनेटिक मटेरियल क्या था? दैट इज द डीएनए। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जब मैं डिफरेंस आपको करवा रहा था, एक वीडियो अभी अपलोड की है जो लास्ट, उसमें बताया था कि जो डीएनए है वो प्रोकैरियोट्स में किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है, और यूकैरियोट्स में किस फॉर्म में होगा? लीनियर फॉर्म में होगा।
ये हमें फॉर्म कैसे पता चली और किस फॉर्म में है, वो सारा अंडर ऑफ द स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स के हिसाब से ही हमें पता चला। साइज, शेप, उसका स्ट्रक्चर, उसके मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, उसके जीनोम की अरेंजमेंट। जीनोम हमने पढ़ा था, जीनोम प्रोकैरियोटिक सेल में किस फॉर्म में होते हैं, हैप्लोइड में होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में डिप्लोइड फॉर्म में होते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी से ही हमें पता चला है। तो अब इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी इतनी क्यों जरूरी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको मैंने आपको बताया था, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि फूड प्लांट सेल्स में स्टार्च की फॉर्म में अवेलेबल था, बट एनिमल सेल्स में था ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अब स्टार्च और ग्लाइकोजन ये हमें कैसे पता चला, ये भी हमें विद द हेल्प ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स पता चला है। चाहे वो स्टार्च हो चाहे जो भी है, वो एक शुगर की ही तो फॉर्म है, मीठा है, शुगर हो जाती है ना, डायबिटिक पेशेंट शुगर बोलते हैं ना, डायबिटिक हो गई तो वो क्या है, शुगर की फॉर्म में अवेलेबल है। शुगर को जो साइंटिफिक नेम है सैक्राइड्स कहते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, कितने टाइप्स हो सकते हैं उसके, वो चेन्स के हिसाब से होता है। चेन्स मतलब वो मैं आपको डिटेल में जब सैक्राइड्स आपको शुगर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। दैट इज द मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स, ठीक है, ट्राइसैक्राइड्स, ठीक है, अलग अलग है। मोनोसैक्राइड्स के फॉर्म में डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, या फिर जब अलग अलग होते हैं तो ट्राई हम वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्या, पॉलीसैक्राइड हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, डाई का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब होता है सिंगुलर, ठीक है। जब सिंगल चेन में शुगर फॉर्म अवेलेबल हो तो सिंगुलर, डाई में हो तो दो, और पॉली में हो तो मैनी चेन्स में शुगर की फॉर्म अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, हम बायोमोलिक्यूल्स ने स्टडी किया कि इसमें प्रोटीन्स भी अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, प्रोटीन्स भी है। अब प्रोटीन्स का वर्क कैसे होगा, अब प्रोटीन का भी तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा ना, ठीक है। अब प्रोटीन्स किससे बना है, वो बना है अमाइनो एसिड से। नोट कर लीजिए 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, और एडिशनल भी अभी स्टडी में 24 में भी कहीं कैटेगरीज में आते हैं, बट स्टैंडर्ड 20 आप मान के चलिए, ठीक है। वो जो कौन कौन से हैं, उनके नाम, उनकी स्टडी सारा मैं आपको डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि वो किस किस फॉर्म में और कैसे कैसे अवेलेबल होते हैं, राइट। तो दैट इज द प्रोटीन का आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन एक जनरल डेफिनेशन आपको बता देता हूं, प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक हैं। जैसे एक बिल्डिंग, एक रूम, दो रूम, तीन रूम, चार रूम, ऐसे बिल्डिंग खड़ी हो जाती है ना, एक फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, चौथा फ्लोर, 10 फ्लोर की एक बिल्डिंग हमने खड़ी कर ली। इसी तरह से अमाइनो एसिड की एक बिल्डिंग है, एक अमाइनो एसिड, दो, तीन, चार, पांच, 10 अमाइनो एसिड हो गए। तो इसी तरह से नंबर ऑफ अमाइनो एसिड हो सकते हैं, तो दैट इज द प्रोटीन। उसमें अमाइनो एसिड क्या होगा कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द अमाइनो एसिड इज द प्रोटीन, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लियस हम अच्छे से स्टडी करेंगे, यानी डीएनए को अच्छे से स्टडी करेंगे, शुगर फॉर्म को हम अच्छे से स्टडी करेंगे इस चैप्टर में हम फर्दर, और प्रोटीन्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम अब एक पॉइंट इनिशियली हम स्टार्टिंग, हम एक वर्ड और हम यहां पर टर्मिनोलॉजी हम स्टडी करेंगे, दैट इज द मेटाबोलाइट फॉर्म हम स्टडी करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, ये सारा मैं आपको डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो इसके दो टाइप्स भी मैं आपको बता देता हूं, फिलहाल अभी आपको इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए इतना याद रख लीजिए। मेटाबोलाइट होते हैं, मेटाबोलाइट इज द प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दो तरह के मेटाबोलाइट होते हैं, पहला क्या होता है दैट इज द प्राइमरी, और दूसरा क्या है दैट इज द सेकेंडरी, ठीक है। तो आपके लिए नॉलेज के लिए इतना काफी है।
बायोमोलिक्यूल्स क्या है, बायोमोलिक्यूल्स का बेस हमने कहाँ से स्टडी किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो स्टडीज को ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड में जब स्टडी किया गया, जो फिल्टर आया फिर तो जो लिक्विड था उसको स्टडी किया, तो उसमें पता चला कि इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन किसी भी फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है जो इसमें कार्बन की प्रेजेंस है, ठीक है। और फर्दर हम इसके बीच में हम जेनेटिक मटेरियल की जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस फर्दर हम प्रोटीन्स की स्टडी करेंगे और शुगर की स्टडी करेंगे। शुगर की स्टडी में मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड को हम स्टडी करेंगे, मेटाबोलाइट्स में प्राइमरी और सेकेंडरी को हम स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स में हम स्टडी करेंगे 20 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स को, उनके नाम, उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शनिंग और डिसफंक्शनिंग को हम पूरी तरह से डिटेल में हम स्टडी करेंगे, राइट। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका बायोमोलिक्यूल्स का जो 9th चैप्टर है यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 2 और ओवरऑल अगर चैप्टर काउंट करूं तो चैप्टर नंबर 9 है जो एनसीईआरटी बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट यहीं पे फिनिश होता है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा, आप एक बार दो बार तीन बार इस वीडियो को देखिए ताकि डिटेल में आपको अच्छे से जो उस चीज ना समझ में कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर दोबारा से आपको फोकस करके वो टर्मिनल आपको क्लियर करूंगा। तो साथ ही हमारा जो चैनल है प्रोफेसर डी आर विज, ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सीनियर जूनियर्स के साथ, अपने करियर को एनहांस करिए, अपने नॉलेज को एनहांस करिए। थैंक यू सो मच।